नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। दिल्ली नगर निकाय के लिए 4 दिसंबर को मतदान हुए थे और उसके बाद जब एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे तो ये बताया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी को ही इस बार एमसीडी में बढ़त मिलेगी। आज यानी कि 7 दिसंबर को जब असली काउंटिंग हो रही है और नतीजे आना शुरू हो चुके हैं, या यूँ कहें कि अधिकतर जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं, उसमें आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। यानी कि इस बार एमसीडी में केजरीवाल की सरकार होगी। और जैसे ही ये नतीजे यानी कि सुबह से जब से रुझान आना शुरू हो गए थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह जो है वो नजर आ रहा था। और यही वजह रही कि आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यालय को सजाया गया है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह का माहौल इस बार नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर विधायक मंत्री इस समय कोई भी ऐसा नहीं है जो खुश ना हो, सभी फूले समा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पर कब्जा करके बैठी थी और इस बार एक बड़ा बदलाव भी किया गया था। शीला दीक्षित के समय में ही एमसीडी को 3 भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी नगर निगम। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव करते हुए बीजेपी ने इन तीनों ही निगमों का एकीकरण कर दिया था, एकीकृत हो गई थी, यानी कि अब तीनों निगमों का एक ही मेयर होगा। और ये माना जा रहा था कि ये परिसीमन भी इसलिए किया गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकती है, और इसलिए बीजेपी ने समय रहते परिसीमन किया और तीनों निगमों को एक कर दिया। लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी ने ना सिर्फ कड़ी टक्कर दी है इस बार निकाय चुनाव में, बल्कि बहुमत के साथ इस बार एमसीडी में सरकार बना ली है। और अब ये देखने वाली बात रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि तमाम आरोप लगाए गए थे आम आदमी पार्टी के, यहाँ तक कि सत्येंद्र जैन तो अभी तक जेल में है, भ्रष्टाचार से लेकर, बेईमानी से लेकर, ना जाने कितने कितने आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे थे। लेकिन दिल्ली की जनता ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी को यहाँ भारी बहुमत से दिल्ली की एमसीडी पर, सत्ता पर जो है, काबिज कर दिया है। हम अंदर जाएंगे, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे, मंत्री और विधायकों से भी बात करेंगे कि किस तरीके की खुशी का माहौल इस बार आम आदमी पार्टी खेमे में है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आने वाले समय के लिए क्या कुछ रणनीति उनकी रहने वाली है। दिल्ली एमसीडी के लिए लगातार जो काउंटिंग हो रही है उसमें शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई थी और अब जैसे जैसे चुनावी नतीजे जो है नजदीक आते जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी खेमे में जश्न का माहौल तेज होता जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ लगातार बैंड बाजों के धुन पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नाचते और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि ये तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जश्न इस समय मना रहे हैं। जश्न की तस्वीरें ढोल नगाड़ों के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस समय नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो खुशी है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने बहुत कड़ी मेहनत की थी, कड़ी टक्कर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को दी है, लेकिन अब ये खुशी बताने के लिए काफ़ी है कि जो नतीजे हैं वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में हैं। और आम आदमी पार्टी ने 15 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया हुआ था दिल्ली एमसीडी पर, उस पर झाड़ू फेर दी है। ये तस्वीरें एक बार आप देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जश्न मनाते हुए की ये तस्वीरें, यहाँ लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, सबको पता है दिल्ली वालों को काम तो आखिर झाड़ू वाले ही करते हैं, और कोई मतलब कुछ भी कह लो उनको, लेकिन वो काम करते रहते हैं लगातार, चाहे उनका विधायक हो, चाहे उनका मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके पार्षद हो। तो इस जैसे सर रुझान आने शुरू हुए थे, एक बड़ी बैठक केजरीवाल के घर पर भी बुला ली गई थी आगे की रणनीति तय करने के लिए। रुझान जब शुरू हुए थे तब तो 200 सीटें आ रही थी, लेकिन वो होता है मतलब फेज वाइज चेंज होता रहता है। अभी आगे की ये मुश्किलें कम नहीं हुई है, क्योंकि आपको भी पता है कि हॉर्स ट्रेडिंग जैसे शब्द भी अब लोकतंत्र में आने लगे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मेयर बनाने के लिए फिर से कोई बड़ी यहाँ पर चाल जो है चली जा सकती। हमारी पार्टी के लोग आज तक कभी नहीं बिके, आपने देखा कि पीछे भी 20-20 करोड़ रुपए देके एमएलए को खरीदने की कोशिश हुई, लेकिन एक भी एमएलए नहीं गया और पार्षद भी नहीं जाएगा। उम्मीद करें जो ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं वाकई में खत्म हो जाएंगे और जो जो आपने 10 पॉइंट रखे थे वो उन पर आप खरे उतरेंगे। 10 गारंटी केजरीवाल जी ने दी, 11वीं गारंटी थी आरडब्ल्यूए वाली, हम पूरी 10 गारंटियों को पूरा करेंगे 5 साल के अंदर, 5 साल का टाइम शुरू होगा। ठीक है सर, एक चीज और है कि 2024 के लिए ये वाले चुनाव कितने इम्पोर्टेंट? पहले इसका जश्न मना लें, फिर 2024 की बात करेंगे। मैम, भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश बहुत की और आगे भी ये चुनौतियाँ कम नहीं होंगी, आगे भी ये चुनौतियाँ कम नहीं होंगी, क्योंकि अभी आप एमसीडी में नहीं थे तो आपके इतने मंत्रियों और विधायकों को परेशान। अब आने वाले समय में दिल्ली साफ होगी, यही होगा।
कूड़े के पहाड़ भी साफ, बिल्कुल साफ होंगे, बिल्कुल। और आगे के लिए रणनीति अभी से तैयार की जा रही है, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल के घर भी एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। आगे की रणनीति, जैसा मैंने कहा, दिल्ली को साफ करने की, दिल्ली वालों के लिए काम करने के लिए है, बस यही रणनीति है। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आरोप लग रहे थे, सबसे बड़ी बात ये कि जनता ने जवाब दे दिया, पूरी तरह से साफ कर दिया। सर, अभी निगम घाटे में चल रहा है, इसको कैसे उबारा जाए? सब ठीक कर लेंगे। आगे की रणनीति अभी से कर लेंगे, सब ठीक कर लेंगे। 2017 के कंपैरिजन इस बार वोटिंग प्रतिशत कम रहा, लेकिन जितना भी रहा वो यही माने कि बदलाव के लिए, जितना रहा वो बदलाव के लिए था और पर्याप्त था। दिल्ली की 15 साल के भाजपा के निकम्मेपन के खिलाफ लामबंद हुई, नतीजा ये रहा कि देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी जैसी छोटी सी पार्टी ने हराया। यह ईमानदारी की जीत है, साफ सफाई और जिसको चाहिए उन लोगों की जीत है। ईमानदार लोगों का साथ दिया दिल्ली की जनता ने, जो लोग काम करना चाहते हैं, जो दिल्ली को साफ सुथरा और सुंदर बनाना चाहते हैं, उनका साथ दिया। बेईमानी, झूठ, बोगस प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोगों का के खिलाफ दिल्ली की जनता ने वोट किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह इस समय नजर आ रहा है। तस्वीरें आप लगातार देखिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के बैनर लेकर इस समय कार्यकर्ता खुशियां मनाते हुए झूमते नाचते गाते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे और जानेंगे कि उत्साह कितना चरम पर है। जी मैम, क्या आम आदमी पार्टी ने आखिरकार MCD पर भी झाड़ू चलाई? मैडम, ये झाड़ू दिल्ली की जनता ने चलाई है। दिल्ली की जनता ने BJP के 15 साल के कुशासन के ऊपर झाड़ू चलाई है। दिल्ली की जनता जानती है कि काम सिर्फ केजरीवाल ही कर सकता है, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। ये विश्वास केजरीवाल की सरकार में जताया है और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाएंगे। भ्रष्टाचार के इतने आरोपों के बावजूद आपके मंत्री तक जेल जा चुके हैं, उसके बाद भी दिल्ली ने आम पर विश्वास जताया? मैडम, भ्रष्टाचार के हमारे ऊपर सिर्फ आरोप लगते हैं, साबित नहीं हुआ। मोदी जी की एजेंसी CBI ED ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर 8-8 बार जांच करी है, लेकिन कोई सबूत भ्रष्टाचार का नहीं मिलता है। ये सिर्फ मतदाताओं को भटकाने के लिए भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, सिर्फ इनका नाकामी है। नाचते गाते कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, जबरदस्त। बिल्कुल, हमारा जबरदस्त उत्साह इसलिए है क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, ये कूड़े पे सफाई की जीत है और हमारा केजरीवाल हमारा पार्षद और हमारा ही मेयर रहेगा दिल्ली में। हम भारी बहुमत से जीते हैं और ये आंकड़ा भी 150 पार करने वाला है, इसलिए हम सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साहित, बहुत एक्साइटेड है, ताकि हम अपनी सरकार को अब पार्षद में काम करके दिखाएंगे। यानी दिल्ली अब साफ हो जाएगी, अब तो किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होगी विकास में? बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। जैसे हमने दिल्ली सरकार के स्कूल अच्छे किए, वैसे ही निगम के स्कूल भी हम बहुत अच्छे करेंगे, गलियों की सफाई करेंगे। और 15 साल की सरकार को, BJP को हमने नाक रगड़ते हुए हराया है उनको, और ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। चलिए, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इस समय काफी उत्साह और खुशी के माहौल में हैं। लगातार कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हमने झाड़ू चला दिया 15 साल की सरकार पर और अब आने वाले समय में दिल्ली को साफ किया जाएगा। जो विकास अवरुद्ध हो रहा था वो अब आम आदमी पार्टी की सरकार MCD में आने के बाद करेगी। और भी कार्यकर्ता इस समय हमारे साथ मौजूद है। बड़ी बात यह है कि तीनों MCD को इकट्ठा कर दिया गया था, एकीकृत कर दिया गया था, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से आ गई। इनकी मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जी के पैरेलल एक ऐसी ताकत खड़ी करेंगे जिससे अरविंद केजरीवाल जी को कमज़ोर किया जा सके, लेकिन आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है, तो ईमानदार लोगों के साथ में ऊपर वाले की मदद शामिल होती है। तो हमारे साथ में, आम आदमी पार्टी के साथ में ऊपर वाला था, दिल्ली की जनता का प्यार था। आज आपके सामने नतीजे हैं, दिल्ली के अंदर हमारा मुख्यमंत्री और MCD के अंदर हमारा मेयर होगा, तो दिल्ली की जनता के लिए बेहतरीन काम होगा। BJP अभी भी उम्मीद नहीं आ रही है, वो कह रही है कि मेयर हमारा ही होगा। हो सकता है वो बेईमानी करने में मास्टर है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रखी होगी, ताकि दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत देने का काम किया आम आदमी पार्टी को, ये बेईमानी कर जाए तो बात अलग है। दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है और भर भर के आम आदमी पार्टी को प्यार दिया। आप देखिए यहाँ पर लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी केजरीवाल का पोस्टर लेकर इस समय नाचते और गाते दिखाई दे रहे हैं। खुशी का माहौल यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इस समय झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि एक
बड़ी जीत यहाँ दिल्ली एमसीडी में उनको मिली है। जनता की तैयारी है, दिल्ली में केजरीवाल की बारी है। इन्हीं नारों और गानों से इस समय आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है वो गूंजा हुआ है। लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं और नाचते झूमते एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार ईमानदार सरकार एमसीडी में भी बनने वाली है। आपको बता दें कि भारी बहुमत से दिल्ली की एमसीडी पर केजरीवाल की जो सरकार है वो बनती नजर आ रही है और अब ये वाकई में एक खुशी का माहौल जो है साफ तौर पर इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। लगातार लाइव हिंदुस्तान भी आप तक ये तस्वीरें पहुंचाता रहा कि किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं। एक बार वही गाना बजने लगा है कि जनता की तैयारी है और केजरीवाल की बारी है, ईमानदार सरकार दिल्ली एमसीडी में। अब ये ईमानदार सरकार किस तरीके से एमसीडी को घाटे से उबार पाएगी, किस तरीके से निगम के कर्मचारियों को समय पर वेतन दिला पाएगी और सबसे बड़ी बात, दिल्ली को कचरा मुक्त और जाम से मुक्त कैसे ये सरकार कर पाएगी, देखने वाली बात रहेगी। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं पल्लवी राजपूत, लाइव हिंदुस्तान।